हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज से हम अकाउंट्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में तीन डिफरेंट टॉपिक हैं, जिसमें से पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। लेबर लॉस इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और साथ ही इसकी एक मर्ज वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप चाहें तो एक ही बार में पूरा लेक्चर देखकर सारे टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। सारे जितने भी अधिनियम हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए, वो सारे आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने आईएलओ कवर किया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और न्यू लेबर कोड पॉलिसी जो 2020 में आई है, जिसमें से एक लॉ को 2019 में ही लॉन्च कर दिया गया था, जिसमें कोड ऑन वेजेस, जिसका नाम था कोड ऑन वेजेस 2019, इसको 2019 में ही लॉन्च कर दिया गया था। बाकी तीन कोड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में बनाए हैं, जिसमें पहला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन और तीसरा है सोशल सिक्योरिटी। इन चार कोड में सारे अधिनियमों को कोडिफाई किया गया है, आसानी के एम्प्लॉयर की आसानी को देख के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग को सुधारने के लिए इस तरह का कदम भारत सरकार द्वारा उठाया गया है। तो आज से हम अकाउंट्स के सिलेबस को शुरू करने जा रहे हैं। ये अकाउंट्स पर हमारा इंट्रो लेक्चर है। इसके बाद से प्रॉपर कल से हमारे अकाउंट्स पर प्रॉपर लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें हम क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी अकाउंट्स, ये सारे हम लेक्चर जितने भी जो भी कवर करेंगे अकाउंट्स में, वो सब एनसीईआरटी की आपको प्रॉपर बुक से ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उन्हीं से ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जिन बुक्स को सोर्स बनाकर यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आज के इस अकाउंट्स के लेक्चर में, मतलब आज से हमारा तात्पर्य है कि हम कल से, आज तो हम ये एक इंट्रो वीडियो बना रहे हैं, कल से हम इन सारे टॉपिक की वन बाय वन चर्चा करेंगे। इसमें हालांकि जितने भी टॉपिक हमने मेंशन किए हैं आज के लेक्चर में, ये सारे टॉपिक के अलावा भी हमें बहुत से टॉपिक और पढ़ने हैं। मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से इसको इंग्लिश में भी लिख रखा है यहाँ, जैसे लेखांकन एक परिचय। कल के आपको लेक्चर में ये पहला टॉपिक पूरा कंप्लीटली इस पर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। लेखांकन उसमें आपको इंक्लूड होगा, लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा होगा लेखांकन एक सूचना स्रोत, अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चौथा, लेखांकन की भूमिका, रोल ऑफ अकाउंटिंग, और लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो बेसिक टर्म्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि एसेट्स, एसेट्स होते हैं, लाभ होता है प्रॉफिट, इस तरह के जैसे ह्रास होता है डेप्रिसिएशन, ये इन वर्ड्स का प्रॉपर क्या मीनिंग होता है, ये कुछ तो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में इनका जो मतलब समझते हैं। हो सकता है कि अकाउंट्स की परिभाषा में इनके मतलब अलग हों या और ज्यादा डिफाइन किए गए हों, जिससे आपको और ज्यादा इन वर्ड्स पर क्लैरिटी मिल सके। दूसरा है हमारा टॉपिक लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सामान्यता मान्य लेखांकन सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, लेखांकन प्रणालियां, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के आधार, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर है आपका लेन देन का अभिलेखन पार्ट वन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस पार्ट वन, इसमें है व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख, बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशंस, नाम व जमा का प्रयोग, यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और खाता बही जिसे लेजर, द लेजर कहते हैं, द लेजर। लेन देन का अभिलेखन पार्ट टू, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस पार्ट टू, जिसमें है हमारा रोकड़ बही, कैश बुक, क्रय पुस्तक, परचेज जर्नल बुक, या क्रय वापसी पुस्तक जिसे परचेजेस रिटर्न जर्नल बुक कहते हैं, ऐसे ही विक्रय पुस्तक, सेल्स जर्नल बुक, विक्रय वापसी पुस्तक, सेल्स रिटर्न जर्नल बुक, खातों का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ, बैलेंसिंग द अकाउंट्स। फिर हमारा टॉपिक है बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि आपकी जो ईपीएफओ की जो पोस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी यूपीएससी में, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो ईओ, जिसे एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर कहते हैं, ये पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी।
इस पोस्ट पर आपका चयन किया जाएगा, तो अकाउंट्स ऑफिसर के क्या कार्य होते हैं उस पद पर रहते हुए और उनको अपने पद पर रहते हुए किन कार्यों को करना पड़ता है उसकी दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो चीज़ें अकाउंट्स ऑफिसर के लिए मैंडेटरी होती हैं, जो उसे आनी ही चाहिए, या उसके काम में जो चीज़ें जो तरह जिस तरह का यूजेज होते हैं जिन जिन चीज़ों के, वही अगर आप नोटिस करेंगे तो वही आपको पढ़ना भी है पहले से, क्योंकि यही चीज़ें आपको ट्रेनिंग में थोड़े ब्रॉड वे में सिखाई जाएंगी, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है यूपीएससी द्वारा, इसीलिए इसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यूपीएससी आपसे अपेक्षा करती है कि इसको आपको बेसिक थ्योरी के फॉर्म में ये सारी चीज़ें पता हों, क्योंकि प्रैक्टिकली तो आपको यूपीएससी की ट्रेनिंग में प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा सारा प्रैक्टिकल फॉर्म में, लेकिन अगर आपको थ्योरी पता होगी, आपको थ्योरेटिकल वे में इन चीज़ों की नॉलेज होगी, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो आप आसानी से ट्रेनिंग को रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के दौरान भी एग्जाम देने पड़ते हैं। आपने बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर भी देखा होगा कि इसमें ट्रेनिंग में एग्जाम्स होते हैं, और किसी भी अच्छी ऑफिसर रैंक की कोई भी जॉब होती है तो उसमें प्रोबेशन पीरियड के दौरान एग्जाम निकालने ही होते हैं, तो इसमें आपको इसलिए दिक्कत नहीं आने वाली होती है, क्योंकि जब आपको थ्योरी से आप पूरी तरह अवेयर होते हैं तो आप प्रैक्टिकल भी उसे और आसानी से ब्रॉड वे में समझ पाते हैं। इसी तरह इसमें एक अगला टॉपिक है तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तलपट का अर्थ मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट बनाने के उद्देश्य, मुझे आज से पहले नहीं पता था कि तलपट इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस को तलपट कहते हैं, देखिए कितना ज़्यादा विचित्र है हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन के, बिल्कुल अर्थ ही आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत से जगह तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश वाला वर्ड देखने के बाद ही हिंदी का समझ में आता है और वो कहलाते हिंदी माध्यम के हैं मेरे तरह। इसी तरह तलपट बनाने के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, तलपट को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तलपट के मिलान का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, अशुद्धियों को ज्ञात करना, सर्चिंग ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसी तरह है ह्रास प्रावधान और संचय, डेप्रिसिएशन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, जिसमें है डेप्रिसिएशन आपका, डेप्रिसिएशन एंड अदर सिमिलर टर्म्स, ह्रास और इससे मेल खाते शब्द, ह्रास के कारण कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास की आवश्यकता कॉजेज ऑफ ह्रास की आवश्यकता नीड ऑफ, यहाँ नीड होगा नीड ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास आपको पता ही होगा डेप्रिसिएशन, जैसे किसी कोई मशीनरी है जब वो नई लेते हैं उसके बाद वो जब यूज में आने लगती है उसको प्रोडक्शन के पर्पज से यूज़ किया जाता है तो उसकी साल दर साल उसकी कीमत में कमी आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप मान लीजिए कोई सेकंड हैंड कार लेंगे तो सेकंड हैंड क्यों है, क्योंकि वो यूज़ की हुई है, जब यूज़ की हुई है तो उसमें डेप्रिसिएशन की वजह से, उसमें उसके पुराने होने की वजह से उसकी कीमत में कमी आई है, उसकी कीमत का डेप्रिसिएशन हुआ है, क्योंकि हालांकि जबकि अगर देखा जाए तो इसमें मेंटेनेंस में जितना पुरानी होती जाएगी मेंटेनेंस पर खर्चा बढ़ता जाएगा, इस आधार पर तो इसकी कीमत में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू से पुराना होने के कारण इसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता है और इसकी कीमत में कमी आती है, तो इसी को ही ह्रास कहते हैं। ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास की राशि की गणना की पद्धतियां, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट, सीधी रेखा एवं क्रमागत ह्रास विधि, तुलनात्मक विश्लेषण, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन मेथड ए कंपैरेटिव एनालिसिस, ह्रास के अभिलेखन की पद्धतियां, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, परिसंपत्ति का निपटान या विक्रय, डिस्पोजल ऑफ एसेट, वर्तमान परिसंपत्ति में बढ़ोतरी या विस्तार, इफेक्ट ऑफ एनी एडिशन और एक्सटेंशन टू द एग्जिस्टिंग एसेट्स परिसंपत्तियां, प्रावधान प्रोविजंस, संचय रिजर्व्स, गुप्त संचय सीक्रेट रिजर्व्स। इसी तरह एक हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र की परिभाषा, मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिजरी नोट्स जिसे पी नोट्स बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है। विनिमय विपत्र के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, विपत्र की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ बिल, विपत्र को बट्टागत या भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, विनिमय विपत्र की पुष्टि करना, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, विनिमय विपत्र का अनादरण, डिसऑनर ऑफ एक्सचेंज फॉर्म, विपत्र का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ द बिल, विनिमय विपत्र की परिपक्वता, तिथि से पूर्व भुगतान, प्री पेमेंट बिफोर मैच्योरिंग डेट ऑफ एक्सचेंज बिल, प्राप्य विपत्र बही और देय पुस्तकें, बिल्स रिसीवेबल एंड बुक्स पेएबल। इसमें बहुत से वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो आपको हिंदी में केवल लिखने पर समझ में नहीं आएंगी, इसलिए जब हम लेक्चर बनाएंगे तो साथ साथ आपको अगर कोई टेक्निकल वर्ड होगा
जहां आपको समझने में दिक्कत हो सकती है तो वहां पर हम आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड कर दिया करेंगे, ताकि आपको, क्योंकि इंग्लिश भी आपको बिल्कुल सिंपली होगी, जिसमें आप कोई भी, जिससे यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करने वाले के बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वो आसानी से उसे समझ लेगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश का भी सेक्शन है। तो जाहिर सी बात है जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी ही होगी वही क्वालिफाई इस एग्जाम को करेंगे, जिनकी इंग्लिश पर भी थोड़ी बहुत पकड़ होगी, एक एवरेज स्टूडेंट होंगे, यानी कि बिलो एवरेज जो होगा शायद वो इस एग्जाम को क्रैक ना कर पाए। मैं किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन यही इस एग्जाम की सच्चाई भी है, क्योंकि इसको जिस जो बॉडी कंडक्ट करा रही है यूपीएससी, उसकी भी अब एक अपनी प्रेस्टीज है, एक डिग्निटी है, तो वह ऐसा कूड़ा एग्जाम नहीं कंडक्ट कराती है कि उसको कोई भी आकर क्रैक कर जाए। तो ये चारों दिशाओं से ही क्रीम उठाने का इनका काम है, 360 डिग्री इनकी अप्रोच रहती है यूपीएससी की। तो और फिर मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इसके अलावा भी हमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें जिसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। पहले हम इन सबको ही कवर करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक्स आपको बताएंगे हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, इसको हम कुछ लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। दूसरी चीज ये आपको बतानी है कि अगर आप एक बार किसी से, किसी आपके कोई पहचान वाले हो, या फिर आप यूट्यूब के थ्रू भी देख सकते हैं कि अकाउंट्स ऑफिसर का यूपीएससी ईपीएफओ बनने के बाद एक अकाउंट्स ऑफिसर का क्या कार्य होता है, तो अगर आप उसके कार्य को डीपली समझ लेंगे तो आपको आराम से आप उस ऑप्शन कर पाएंगे, आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है अकाउंट्स के लिए, आपको अकाउंट्स का सिलेबस में स्पेशली पढ़ना क्या है, आपको इसमें काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। तो क्योंकि आप इसका सिलेबस देख के या इसकी टर्मिनोलॉजी देख के हो सकता है कि बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि बड़ा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है, और एक कहानी के फॉर्म में आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे, और स्पेशली अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ परेशानी नहीं होने वाली। तो आप बने रहिए हमारे चैनल से, थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही, अब कल से हम लेक्चर आपको प्रॉपर अकाउंट्स पर प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा इसका इंट्रो लेक्चर था, थैंक यू।